केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार का चावल नहीं खरीदने को लेकर मचे घमासान के बीच अब कांग्रेस ने आंदोलन करने का ऐलान किया है। बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी किसानों के साथ मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी, जिसके बाद 11 नवंबर को बिलासपुर के नेहरू चौक में धरना दिया जाएगा। पीसीसी महामंत्री अटल श्रीवास्तव ने प्रदेश के सांसदों से सोए रहने की बजाय जागने की सलाह दी है, साथ ही मांग की है कि बीजेपी सांसद सदन से छत्तीसगढ़ की आवाज उठाएं। दो तिहाई बहुमत 90 में से 68 सीट कांग्रेस को दी, जनता का निर्णय सबको स्वीकार हुआ, पर लोकसभा चुनाव में यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 9 सांसद चुन के दिए 11 में। उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के किसानों के, यहाँ के लोगों का हित का वो संवर्धन करें, यहाँ के किसानों की आवाज अपने प्रधानमंत्री के कानों तक पहुँचाएं। हम सभी 13 तारीख को रायपुर पहुँचेंगे और रायपुर में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में हम सब दिल्ली कूच करेंगे और 15 तारीख को छत्तीसगढ़ भारत की राजधानी दिल्ली में हम मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। यह फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया। रायपुर में मोहम्मद अकबर